बीजेपी नेता ने कानून को पूरी तरह से बना दिया तमाशा, घंटों तक हुआ बवाल, सड़क पर आगजनी, मुसलमानों को गंदा बोलने वाले का हो गया हिसाब किताब, तो सड़क पर उतार दिए अपने गुर्गे। कर्नाटक में बीजेपी नेता का सबसे बड़ा नाटक, जलता रहा शहर, होता रहा बवाल, किसी ने नहीं पूछा सवाल। वैसे तो आपको जय श्री राम के नारे सुनाई दे रहे होंगे, लेकिन बस थोड़ा सोचिए कि जय श्री राम की जगह अल्लाहु अकबर बोला जा रहा होता, दाढ़ी टोपी वाले नजर आ रहे होते तो पहली फुर्सत में से देश विरोधी घोषित कर दिया जाता। बीजेपी के नेता कंठ का कटोरा खोलकर उसे बजा रहे होते, गले की नसें दुखा दुखा कर कह रहे होते कि देश खतरे में है। लेकिन यह मसला उनकी ही पार्टी के एक नेता का है जो इतना बिगड़ैल हो चुका था कि मुसलमानों के साथ साथ उनके भगवानों को भी नहीं बख्शता था। सोचिए, जो पार्टी मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उड़ेलने वालों को सम्मान से नवाजती हो, तो अल्लाह के खिलाफ घिनौनी बात करने वाले तो उनके लिए भगवान होंगे। दरअसल कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं। इसी बीच खबर आई कि बीजेपी के नेता के.एस. ईश्वरप्पा की टिकट पार्टी ने काट दी है। फिर क्या था, ईश्वरप्पा ने बगावत का ऐलान कर दिया, और करते भी क्यों ना, बीजेपी के सारे मापदंडों पर खड़े उतरते हैं, मतलब चुनाव पास आते ही मुस्लिम विरोधी एजेंडा दिखाते हैं। मुसलमानों को गाली बकने से लेकर उनको कोसने का काम या तसल्ली बख्श किया जाता है। उसके बाद भी ईश्वरप्पा का टिकट काट दिया, जिसके बाद ईश्वरप्पा की मुस्लिम विरोधी विचारधारा में पूरी तरह से डूबे हुए भक्त सड़कों पर उतर आए। पहले 20 सड़क पर आग लगा दी, फिर चीखने चिल्लाने लगे, पूरे इलाके में दहशत पसर गई, मौके पर पुलिस आ गई। लेकिन जैसे ही पुलिस वालों को पता चला कि कमल छापों की करतूत है, दो कदम पीछे हट गए कि कमल खिलता है कीचड़ में, और इस कीचड़ से अपनी वर्दी क्यों गंदी करनी, तो छोड़ दिया पूरे शहर में इसी तरह दहशत फैलाने के लिए। स्पेशल डेस्क द कंटा।